हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लैपटॉप में म्यूज़िक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी को लैपटॉप में म्यूज़िक डाउनलोड करना नहीं आता होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि हम म्यूज़िक कैसे डाउनलोड करते तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे, जो भी आपको गाना डाउनलोड करना है वो आप सर्च करोगे। तो मुझे जैसे करना है लहंगा गाना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा आ गया है लहंगा सॉन्ग MP3 डाउनलोड। तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना गाना लिख देंगे, फिर उसके बाद MP3 डाउनलोड लिख देंगे, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा MP3 सॉन्ग डाउनलोड लहंगा। लेकिन आप यहाँ पे नहीं जाइए, यहाँ पे जाइए। और यहाँ पे फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऑडियो आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसको आप टच कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप डाउनलोड्स को दबा देंगे। एक फाइल खुलेगी, उसे आप क्रॉस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका गाना डाउनलोड हो चुका है। क्योंकि मेरा नेट फास्ट चल रहा है तो मेरा गाना जल्दी डाउनलोड हो गया। आप अपने नेट के हिसाब से कर सकते हैं। फिर ये जो आपका एरो आ रहा है उसको टच करेंगे और यहाँ पे आपका आएगा शो इन फोल्डर लिखा हुआ। तो शो इन फोल्डर को टच करेंगे तो आपका ये फोल्डर खुल जाएगा और जिस पर राइट बना हुआ आएगा वही आपने गाना डाउनलोड किया। तो आपको दिख गया होगा कि मैंने लहंगा गाना डाउनलोड किया है। तो मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। तो देखिए मेरा गाना डाउनलोड हो गया है। तो ऐसे ही आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे क्रॉस कर देंगे, ये देखिए। अब हम इसे स्टॉप कर देंगे। ओके, तो आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं अपना कोई भी गाना। बहुत इजी होता है ये, बहुत इजी तरीका है। कोई लोग बताते हैं कि इसको कॉपी वोपी करो, मैंने इसमें कॉपी वगैरह कोई कुछ भी नहीं बताया आप लोगों को, बस मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगर आप क्रोम को क्रॉस भी कर दोगे फिर भी आपके फाइल में रहेगा ही। ओके, बाय फ्रेंड्स।